हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत ही क्रूशल वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स 2024 मार्च में बोर्ड एग्जाम लिखने जा रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए सभी स्टूडेंट्स के एक्सपेक्टेशन होते हैं कि वो लोगों को 9 पॉइंट से लेकर 10 पॉइंट जीपीए मिले, 9 पॉइंट से ज्यादा 10 पॉइंट जीपीए मिले। अब इसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाना पड़ेगा आपको अच्छी तरह समझना है, उस पर आपको वर्कआउट करना है। देखिए, सबसे पहले 3 कैटेगरीज में पेपर को डिवाइड करना है। पेपर जिसके लिए 100 मार्क्स, ये 100 मार्क्स का पेपर के लिए। आप लोग सोचेंगे 80 मार्क्स का रहेगा पेपर, 100 मार्क्स कहां से आएंगे, वही तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। 100 मार्क्स पहली कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी है आपका सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव, क्या आप लोग सोच रहे हैं क्या इसी तरह मिल जाएंगे 10 जीपीए या 9 जीपीए इसी तरह मिल जाएगा? नहीं, उसके लिए मेहनत करना होगा, उसके लिए हार्डवर्क करना होगा। आगे मैं बताऊंगा क्या क्या आपको करना है। सब्जेक्टिव आपको मिलेगा 60 मार्क्स का मिलेगा। सेकंड पार्ट मिलेगा ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा 20 मार्क्स का। टोटल आपको एग्जाम में लाने होंगे 80 मार्क्स, मतलब आपके 80% मार्क्स आपको एग्जाम से कवर हो रहे हैं। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट रहेगा आपको इंटरनल मार्क्स। इंटरनल मार्क्स आपको मिलेंगे 20, ये पूरे मिलाकर 100। ये 100 में से ही आपको मार्क्स लाना है ताकि आपका जीपीए 10 पॉइंट्स आपका जीपीए मिले। अगर इन तीनों चीजों में से आप ये तीनों चीजों को गौर से देखिए, इन तीनों चीजों को अगर आप देखेंगे, अगर ये सॉल्व करेंगे, ये छोड़ देंगे, तो भी आपको 9 जीपीए, 9.5, 10 जीपीए नहीं आ सकता। यहां पर भी कम मार्क्स मिलेंगे आपको, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप यहां पर गलती करके ये दोनों करेंगे तो भी आपको मार्क्स नहीं मिल सकते। अगर आप चाहते हैं कि हमको 10 out of 10 जीपीए हमको चाहिए ही चाहिए, तो आपको ये तीनों चीजों पे फोकस करना होगा। पहले सब्जेक्टिव पे 60% मार्क्स आपको सब्जेक्टिव से मिलेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, हम ये नहीं कह सकते कि मैं सब्जेक्टिव अच्छा पढ़ूंगा, मुझको ऑब्जेक्टिव टफ लगता है, मैं छोड़ दूंगा, नहीं। सीधे 20% मार्क्स, 20% इफेक्ट आपको करेगा। अगर 6 सब्जेक्ट मिलाएंगे तो 120 मार्क्स सिर्फ आपके ऑब्जेक्टिव के होते हैं। 120, अगर ऑब्जेक्टिव के 120 और इंटरनल के 120 अगर निकाल देंगे तो 240 मार्क्स आपके सीधे चले जाएंगे। 600 से बचेंगे आपके, और 600 माइनस 240 अगर माइनस करेंगे यहां पर आपको, तो क्या बच जाएगा यहां पर 360 मार्क्स आपके सिर्फ आपको आएंगे। 360 मार्क्स मतलब आपको कितने परसेंट है आप डिवाइड कर सकते हैं, इसमें में भी आपके 65% आपको मार्क्स अपने सब्जेक्टिव से आ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि हम कुछ आंसर्स पढ़ लेंगे, कुछ याद कर लेंगे तो बस हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा, हमको आसानी से 9 जीपीए 10 जीपीए आ जाएगा, सिर्फ ये सोचते रहेंगे। लेकिन बिल्कुल नहीं, आपको फोकस करना है, पहले सब्जेक्टिव स्ट्रांग बनाना है, जितना बन पाता है आपसे पढ़ने की कोशिश करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ कुछ वो बुक से कुछ अपने नोट्स पढ़कर उसको स्टॉप कर देते हैं या उसी को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी क्या होगा कि एग्जाम में टॉपिक वाइज आंसर्स पूछेंगे, तो जब वो आंसर्स पढ़ने में लिखने में आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझकर पढ़ना है, तभी जाकर आप किसी टाइप का भी आंसर लिख पाते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको चाहिए 10 out of 10 जीपीए या 9.5 जीपीए या 9 पॉइंट चाहिए, तो ये तीनों चीजों पे वर्कआउट आपको करना है। इसको भी लेना है, इसको भी और इसको, तीनों चीजों को। खैर, इंटरनल में ज्यादा तो आपको मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो स्कूल वालों पे डिपेंड होता है,
उम्मीद करते हैं स्कूल वाले बेहतर मार्क्स देते हैं, सभी स्टूडेंट्स को अच्छे ही मार्क्स देते हैं, इंटरनल का कोई इशू वहां पर नहीं होगा। इशू रहेगा आपका 80 मार्क्स का, सब्जेक्टिव के 60 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव के 20 मार्क्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं सब्जेक्टिव अच्छे से करते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव ठीक से नहीं कर पाते, और जो स्टूडेंट सब्जेक्टिव अच्छा करते हैं उनको चाहिए कि ऑब्जेक्टिव भी अच्छा करें, तभी जाकर आपका जो सपना है, आपका जो ख्वाब है, आप जो चाहते हैं वो जाकर आपको अचीव कर पाएंगे। आसान नहीं है, आपने सोच लिया, माइंड सेटअप बना लिया 9.5, तो उसके लिए आपको 9.5 या 10 के लिए आपको फर्स्ट हाउ मेनी आवर्स आपको पढ़ना चाहिए ये आपको सोचना है, और कितना आपने अभी तक पढ़े हैं और कितना आपको पढ़ना है ये भी आपको सोचना चाहिए। कितने घंटे अगर आप पढ़ेंगे तो ये यहाँ तक रीच कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप कितने आंसर्स याद कर, ये सारे चीज़ों को आपको रिव्यू करना होगा ताकि आप जाकर अपने मार्क्स, अपने जीपीए को रीच कर पाओगे। देखिए कैटेगरीज अलग अलग स्टूडेंट्स के होते हैं, किसी स्टूडेंट्स को माइंड में होता है कि मैं 10 आउट ऑफ 10 जीपीए लाऊं, कुछ स्टूडेंट होते हैं 7 to 8% अगर भी आ गए तो मुझको बस है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जस्ट पास भी हो गए तो काफ़ी है। जस्ट पास अगर आप होना चाहते हैं तो सब्जेक्टिव आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि सब्जेक्टिव पढ़ के ऑब्जेक्टिव छोड़ दिए, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव भी आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि 20 मार्क्स अगर आपको ऑब्जेक्टिव से घट जाएंगे तो सोचिए आपके रिजल्ट पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जितना सोच रहे हैं आसान भी है, थोड़ा आपके लिए टफ भी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ सब्जेक्टिव में स्ट्रांग रहते हैं, ऑब्जेक्टिव में जाकर वहां पर कमजोर पड़ जाते हैं, वीक पड़ जाते हैं, समझ नहीं आता कैसे करें ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है, उसके लिए एक अलग से ऑब्जेक्टिव बना, अलग से वीडियो में बनाऊंगा किस तरह ऑब्जेक्टिव आप अचीव कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो मेरे इस चैनल पे आपको ईच एंड एवरीथिंग मिलेगी, एवरीडे आपको मॉडल पेपर्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे मॉडल पेपर के, एवरीडे आपको तेलुगु के आंसर्स मिलेंगे और मॉक टेस्ट के क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, अभी स्पीड बढ़ाते जाऊंगा मैं भी बोर्ड एग्जाम्स तक, कोई ऐसी चीज आपसे छूटे नहीं रहा, ना छूटे के बोर्ड एग्जाम में आए आप जाकर सोचने लगोगे कि ये कहाँ से आया, ऐसा बिल्कुल नहीं, पूरी तैयारी के साथ हम जाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं। अब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नहीं कर लेना आप पर डिपेंड है, मैं अभी नहीं कहूँगा, क्योंकि जिसको इंटरेस्ट होगा वो सब्सक्राइब करेगा, जिसको इंटरेस्ट नहीं होगा सब्सक्राइब नहीं करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अचीव करना चाहते हैं, अपना जीपीए लाना चाहते हैं, तो ये तीन चीज़ों पे आप फोकस कीजिए। ये तीनों चीज़ों को में से सिर्फ ये दोनों चीज़ें ऐसे हैं जिसको आप डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले आप क्या कीजिए, सब्जेक्टिव स्ट्रांग कीजिए, इस सब्जेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव, एक 100, 200, 300 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो भी अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत आसानी होगी और आपका जीपीए आप बिल्कुल ला सकोगे, इसके अंदर कोई दोहराए वाली, कोई डॉट वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ आप इस वीडियो से सीखे होंगे और